नमस्कार दोस्तों, YouTube के इस हेल्थ चैनल स्वास्थ्य शिक्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है झाड़ फूँक से बीमारियाँ किस प्रकार ठीक की जा सकती हैं। आप भी झाड़ा लगा सकते हो अगर आपको झाड़े के पीछे का सच पता है तो दोस्तों आइए इन सब पर रोशनी डालते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जिन बीमारियों को झाड़ फूँक से ठीक किया जाता है वो सभी की सभी सेल्फ लिमिटिंग होती हैं या फिर ठीक नहीं होती कभी भी। इनमें से अधिकांश बीमारियां वायरल होती हैं, जैसे कि मेजल्स यानी खसरा, चिकन पॉक्स माता जिसको बोलते हैं, मम्प्स कनपेड जिसको बोलते हैं, जो पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग होती है उसका भी झाड़ा लगाया जाता है, हेपेटाइटिस ए जोंडिस जिसको पीलिया आमतौर पर बोला जाता है वो उसका भी झाड़ा जगह जगह पर लगाया जाता है। ये भी सेल्फ लिमिटिंग होती है, अपने आप ठीक हो जाती है। इसी तरह से हर्पस जो तकलीफ है, हर्पस जोस्टर है जिसको क्रांत बोलते हैं, जिसमें एक तरफ बॉडी के किसी भी एक हिस्से पे नर्व इंफ्लाम्ड होके वहाँ पे दाने निकल आते हैं, तो इन बीमारियों के अमूमन झाड़े लगाए जाते हैं। तो ये सारी की सारी बीमारियाँ आप देखोगे तो वायरस से होने वाली तकलीफ हैं जो कि अपने आप ठीक हो जाती है अपने समय के अनुसार। इसके अलावा भी कुछ एक बीमारियां ऐसी हैं जो वायरल न हो के भी जिनके झाड़ फूँक या जिनकी देसी दवाई दी जाती है। देसी दवाई से मेरा तात्पर्य आयुर्वेदिक मेडिसिन से नहीं है, जो बिना किसी ऑथेंटिक बेस के, जिस जो बिना किसी लेबलिंग के जो पुड़िया बनाकर दे दी जाती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं ऑथेंटिक आयुर्वेदाचार्य द्वारा दी जाने वाली आयुर्वेदिक दवाइयों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसी जो तकलीफ़ हैं उनमें से मुख्यतः जोड़ों के दर्द, टाइफाइड का भी कई जगह झाड़ा लगाया जाता है। तो टाइफाइड भी मियादी बुखार है जिसमें 90% केसेस बिना किसी मेडिसिन के ठीक हो जाते हैं। 10% से जो लोग होते हैं उनमें कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं अगर वो अच्छे से उसका ट्रीटमेंट ना हो। तो झाड़े के पीछे का सच यही है कि वो सेल्फ लिमिटिंग है, उसमें आप झाड़ा लगाओ या ना लगाओ वो ठीक होने ही हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। तो मेरी राय ये है कि आप झाड़ फूँक के चक्कर में ना पड़ के अच्छे चिकित्सक से अपना अच्छा इलाज करवाएं, चाहे वो आयुर्वेदिक चिकित्सक है, चाहे एलोपैथिक चिकित्सक है या कोई होम्योपैथिक चिकित्सक है, लेकिन अच्छे चिकित्सक से ही अपना इलाज करवाएं। थैंक यू दोस्तों।